press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर रिबाह इमरान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी लुबना जैदी जी, जो कि है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो यूके में रहती हैं। और खास बात यह है कि वो भारत के बारे में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं और आजकल भारत में वो काफी ज्यादा चर्चित भी हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। आज एक और पाकिस्तानी लड़की ने निकाह कर लिया एक बीजेपी के पार्टी के कॉर्पोरेटर हैं उनके बेटे के साथ। तो वीजा की इशू की वजह से ऑनलाइन निकाह, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ऑनलाइन निकाह इसलिए भी करना पड़ा, और आपको पता है कि वीजा वगैरह का जो है वो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इशू रहता ही है। तो हम आज आपसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहेंगी कि एक पाकिस्तानी ने एक और रिलेशन बेहतर हो रहे हैं दोनों कंट्रीज के दरमियान, जैसे डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आए और बड़े अच्छी मतलब मेमोरीज लेकर वो इंडिया वापस गए, और मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के लिए बहुत अहम कदम है। तो आप इस बारे में क्या थॉट्स रखती हैं, कैसे देख रही हैं इस खबर को? आई थिंक देखिए, अगर दो लोगों को प्यार है तो ऑफकोर्स मैं कौन होती हूँ कि इसमें कोई इश्यू मुझे इससे क्यों तकलीफ होगी, मगर अगर मैं थोड़े से एक कदम पीछे रख के देखूं कि सीन क्या है, तो दो तीन इसमें चीजें होती हैं। एक तो यह है कि अगर आप कभी जिंदगी में किसी इंसान से आमने सामने मिले नहीं हैं, तो वो बात एक अलग होती है जब आप मिलते हैं किसी से। ऑनलाइन तो हर इंसान को लगता है कि जैसे आप सामने बैठी हुई हैं कि मैं आपको जानती हूँ, मगर एक्चुअली जब मैं आपसे मिलूंगी तो हो सकता है फीलिंग थोड़ी सी कुछ और हो। और ये भी होता है कि जो इंसान का जो दिमाग है वो बाकी का जिस्म का हिस्सा अपने दिमाग में बना लेता है कि इंसान छोटा है, लंबा है, मोटा है, एक आगे वाला कैसा दिखता है ऑनलाइन। और मैंने भी एक्सपीरियंस करा, जब कोविड था तो मैंने एक कंपनी को ज्वाइन करा था, पहले 6 महीने जो है मैं ऑफिस नहीं गई थी, सबसे मैं मिली थी ऑनलाइन। मुझे लगा था मैं इनको जानती हूँ, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है इनका, ये दिखते कैसे हैं मुझे सब पता है। जब 6 महीने बाद मैं ऑफिस गई और मैं इनसे आमने सामने मिली, मुझे लगा कि गैर हैं ये लोग, कि मैं जानती नहीं, हालांकि 6 महीने से हर दिन मैं इनसे बात कर रही थी। वो फीलिंग ही नहीं थी, वो बॉन्ड ही नहीं था, और उनका जिस्म भी अलग था, जो मैंने तसव्वुर करा था दिमाग में उससे अलग था उनका बॉडी, तो थोड़ा सा अजीब सा लगा था मुझे। तो अगर ये लोग मिले नहीं तो बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि आई थिंक कि जब ये मिलेंगे तो हो सकता है वो फीलिंग ना हो और उनको लगे कि ये एक्चुअली स्ट्रेंजर हैं। एंड फिर दूसरी बात ये होती है कि सिक्योरिटी रिस्क मुझे इसमें नजर आता है, स्पेशली अगर कोई पॉलिटिशियन का बेटा है और पॉलिटिक्स में है, तो ये थोड़ी सी अजीब बात है कि ऑनलाइन किसी से, कौन है वो लड़की, और कोई सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं, कोई फंसा तो नहीं रहे इस लड़के को। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें भी चली हुई हैं, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हमेशा से सिक्योरिटी रिस्क ही रहेगा, मुझे इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नजर आते हुए एटलीस्ट अभी तो नजर नहीं आ रही, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो हाँ, वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसमें दो तीन काफी चीजें हैं जो गलत हो सकता है हो, या मुश्किलाहत इन लोगों को फील एक्सपीरियंस हो बाद में जाके। जी असल ना देखें, प्यार की तो कोई जुबान नहीं होती ना, देखें उनको प्यार हो गया, अगर सीमा हैदर जो है अपने 4 बच्चों के साथ वो उधर जा सकती हैं, ठीक है, अपनी इतनी पुरानी शादी को छोड़कर, तो मेरे ख्याल से प्यार की कोई जुबान नहीं होती है। तो अगर वो अगर उन्होंने ऑनलाइन निकाह कर भी लिया, तो हम इसको किसी एजेंडे या किसी एजेंट को एक साइड पर रखते हुए अगर हम देखें कि इस तरह रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, कि वो पहले होता था ना कि बारात इंडिया से पाकिस्तान आती थी, पाकिस्तान से इंडिया जाती थी, अब फिर से वो इस तरह की कनेक्शन की तरफ जो है वो आगे कदम बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि यूके में बैठकर आप इसको कैसे देख रही हैं? मुझे नहीं लगता कि इससे रिश्ते बेहतर होते हैं, बल्कि इससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं, क्योंकि आप जो इंडिया की जो टेनिस प्लेयर थी, क्या नाम था उनका, जो सानिया, हाँ, उन्होंने जो पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी जो करी, और फिर जो बाद में अभी जो तमाशाबाजी हुई है, और उससे जो फिर सोशल मीडिया पे भी, और फिर जो वो थी सानिया मिर्जा नाम है ना, कि उनको फिर उनके खुद के इंडिया के भी कुछ लोग वो ही बोल रहे हैं कि तुमने करी पाकिस्तान में, हमने तो मना करा था, ठीक है। तो फिर रिलेशनशिप्स खराब भी हो सकती हैं अगर शादी नहीं बनी, अगर बनी तो हाँ बाबा, और अगर नहीं बनी तो फिर रिलेशनशिप्स और खराब भी हो सकते हैं, तो हिट एंड मिस है। ऑफकोर्स शादी तो वैसे भी बहुत बड़ा रिस्क होता है, आपको पता नहीं कि शादी के बाद होगा क्या,
मगर आई थिंक रिश्ता इससे ना मजबूत होगा ना कमजोर होगा, डिपेंड करता है इंडिविजुअल केस के ऊपर कि उस इंडिविजुअल शादी में क्या हो रहा है। कुछ लोगों के लिए कामयाब होगी शादी, कुछ लोगों के लिए नहीं होगी। अच्छा, अब इस तरह के तो बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। और देखिए लुबना, कोई भी शादी के बारे में या शादी के बाद क्या होने जा रहा है कोई इस बात को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई पाकिस्तान में भी किसी से शादी कर लेता है तो शादी से पहले तो उसको ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि शादी उसकी कैसी गुजरेगी। और ये तो वो एक जुआ 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 ही समझ लें, क्या हम इसको जुआ ही समझ सकते हैं कि ये जुआ है और इसको अगर हम मतलब करना भी जरूरी है, ठीक है शादी, और उसके बगैर गुजारा भी नहीं इंसान का होता है जनाब। लेकिन बहुत से ऐसे दुनिया में लोग हैं जिन्होंने शादियां नहीं की और उनकी टॉप प्रायोरिटी भी शादी नहीं होती है। लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी में खवातीन के लिए, यानी कि जो जो माइंड सेट है बच्चियों को लेकर, ये बात कही जाती है कि शादी ही होनी चाहिए और 22 साल या 20 साल या 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। ये स्पून फीडिंग लड़कियों को की जाती है। और जिस सोसाइटी में लड़कियों की शादी नहीं होती, आपने डॉक्टर जाकिर नाइक की भी राय सुनी ही थी कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही उनको चाहिए कैसे मर्द का इंतखाब कर लें, ठीक है। और दूसरी जानिब मैं आपसे ये बात करी थी कि बहुत सारी ऐसे पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज भी हैं जिनका बहुत अच्छा रिलेशन है इंडिया के मतलब सेलिब्रिटीज के साथ, और सुनने में ये भी आता है कि उनके आपस में चक्कर भी चल रहे हैं, जैसे हानिया आमिर हो गए। और उनका मतलब इस तरह सोशल मीडिया पे चीजें सुनने को मिलती हैं कि उनका वहाँ के जो सेलिब्रिटी हैं बादशाह के साथ जो है उनके बड़े अच्छे मरासिम हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो हानिया मेरा की क्या शादी नहीं हुई है? नहीं, हानिया आमिर की अभी शादी नहीं हुई है अच्छा, वो तो जो लड़का कौन था? एक तो पिक्चर्स में थी साथ में, आई थॉट की शादी हो रही है उन लोगों की, नहीं नहीं जिसकी नहीं नहीं गाड़ी वो थी। नहीं, वो ना उनका हुआ था मतलब आपस में कह रहे थे कि शादी होनी है और बड़ा उनका कपल था, लेकिन वो भी कपल टूट गया। लेकिन नाउ डेज अभी सुनने में यही आ रहा है कि उनकी कोई शादी नहीं हुई है। और पिछले दिनों कुछ तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल थी बादशाह के साथ उनकी, कि आपस में बड़े अच्छे मरासे में उनके। और तो देखिए, मेरे खास ये लोग तो पार्टनर ऐसे बदल रहे हैं जैसे लोग कपड़े बदलते हैं। अभी किसी और के साथ, अब आप बोल रही किसी और के साथ है भाई, मुझे नहीं पता, ये लोग ऐसे बदल रहे हैं जैसे लोग कपड़े बदलते हैं। चले ठीक है सेलिब्रिटी भाई, चलता ही है ना तो चले सही चलते हैं। हो गया, होता है, चलता है, दुनिया है, सब चलता है यहाँ पर तो अब बात कर लेते हैं कि जैसे आपने कहा कि सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आज जिस तरह दुनिया बदलती जा रही है अब लोगों को भी नजर आ रहा है। जहां पर अगर हम किसी भी ऑर्डिनरी, मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लिबना, आपके भी बहुत सारे इंडिया में फ्रेंड्स होंगे जो अक्सर ये हम बात करते हैं, हम उनसे ग्राउंड रियलिटीज जानने की कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तानियों के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो वो अक्सर हमें ये बात आगे से कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम लेकर वो डर जाते हैं, कि हम मतलब उनके दिल में एक डर है। और मैं क्या समझती हूँ कि पाकिस्तान में तो खैर इतना मतलब लोगों में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हेट्रेड थी, अब तो वो भी पॉजिटिव वे की तरफ जा रही है। तो मेरे ख्याल से इस तरह के रिलेशंस डेवलप होना या इस तरह की शादियां होना एक इट्स अ गुड साइन। और आपकी मेरे ख्याल से पर्सनल चॉइसेस, सिक्योरिटी इश्यूज, अब जहां पर दुनिया इतनी मॉडर्नाइज हो रही है लोगों को अपने अच्छे बुरे का पता है, वहां पर अगर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान यानी कि लोगों के दरमियान अगर इस तरह रिलेशन या जो है शादियां होती हैं, तो मेरे ख्याल से ये गलत तो कंसिडर नहीं किया जाता। अगर आप क्या गलत समझ, नहीं, आई डोंट थिंक इसमें कोई गलत और सही नहीं है। हर इंसान की अपनी चॉइस है एंड हमें नहीं पता कि क्या होगा। मुझे इसमें मुझे कोई, ऑफ कोर्स मैं तो यूके में बैठी हूँ, मुझे इससे क्या कि पाकिस्तान और इंडिया में कौन शादी किससे कर रहा है। मगर मुझे इतना पता है कि ऑब्वियसली इस उम्र से मैं भी गुजर चुकी हूँ कि जब इंसान को लगता है कि यार ऑनलाइन आपको किसी से मिल गया है और आप उसको जानते हैं, या ऑफकोर्स जब इंसान छोटा होता है, इन्फेचुएशन होता है, जो फैसले बचपने में करे जाते हैं वो कभी कभार जिंदगी वो भुतकने आपको पड़ते हैं वो फैसले। तो उम्मीद है कि ये सिर्फ इमोशनल कोई इमोशनल ही है ना, कि जब मिले ही नहीं है तो क्या निकाह क्या करा है ऑनलाइन लोगों ने, ये मुझे समझ में नहीं आई बात। तो ये रिस्क है बहुत बड़ा, अगर इन लोगों को लेना है तो इनकी जिंदगी है अगर बर्बाद होती है आगे जाके, ये लोग एक दूसरे का वो अगेंस्ट हो जाए बाद में, तो फिर इनके ऊपर है भाई, हमें से क्या हमें से क्या लेना देना। सही हो गया। लुबना ने तो रोला ही मुका दिया सानू की लेना देना अच्छा लुबना दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और लुबना जैदी जी का ये रिएक्शन और पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा लुबना जैदी ने बात की कि कैसे इंडिया और पाकिस्तानी आपस में आजकल शादियां कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और मजेदार वीडियोज
लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।